आज का टॉपिक है हेडिंग आप लोग डाल लें, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, अब बेटा स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा, हम एल्काइल साइनाइड मतलब नाइट्राइल्स लेंगे, एल्काइल नाइट्राइल्स, और एल्काइल नाइट्राइल्स का रिडक्शन होके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। यहां एल्काइल नाइट्राइल से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, कि आपको पता होगा नाइट्राइल जो है साइनाइड को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एल्काइल नाइट्राइल से यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए रिएक्शन, तो हमने यहाँ पे कोई भी एल्काइल नाइट्राइल लिया, आर सी एन एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं SnCl2 एंड HCl के साथ, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हम करेंगे SnCl2 और HCl के साथ। अब आगे देखते हैं बेटा, तो यहां हमने एल्काइल नाइट्राइल लिया RCN, रिडक्शन इसका करेंगे SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, साथ में आपको लेना है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, और हिसाब से ना जो ये एल्काइल साइनाइड है ना, इसमें टू नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होगी, एल्काइल साइनाइड में टू नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की, तो ये बन जाएगा RCH, एक कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के पास आ गई, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो गया, और ये हो गया NH, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहां पर ये बना बेटा, ओके, इसको बोलते हैं इमीन, इट इज कॉल्ड इमीन। तो पहले यहां पे इमीन की फॉर्मेशन हुई, और इमीन बनने के बाद अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा। नेटवर्क आज सभी में वीक आ रहा है, मेरा आइडिया जियो सब वीक चल रहा है, देखो ध्यान से। तो ये बना RCH डबल बॉन्ड NH, अब हमने इसको हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा, RCHO एल्डिहाइड, RCHO बनेगा एल्डिहाइड, प्लस यहां से निकलेगा NH3, तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में यहाँ पे NH3 निकली, ठीक है। तो हमने एल्काइल साइनाइड लिया, रिडक्शन उसका करवाया, तो इमीन की फॉर्मेशन होगी, दो हाइड्रोजन ऐड होगी, एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास, फिर जो इमीन बनेगा उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, NH3 साइड में जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, उससे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, ओके। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ये लिया, इसका नाम बेटा बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। अब जो ये बेंजो नाइट्राइल है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, SnCl2 एंड HCl, तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन ऐड होगी, एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास, तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, ओके। एंड अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, H2O प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो उससे क्या फॉर्म होगा, देखिए ये बेंजीन, इस पे आ जाएगा CHO, CHO प्लस में क्या निकल जाएगा, NH3, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, इसे नोट डाउन कर लें आप,
ये स्टीफन रिडक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म करेंगे। इसी में एग्जाम पहले दो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल है कि सिर्फ SnCl2 और HCl जो है ना यही रिड्यूस नहीं करते नाइट्राइड्स को, डाइबर H भी रिड्यूस कर सकता है। तो नेक्स्ट आप एक नोट डाल लें, डाइबर H इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूस कर देता है नाइट्राइल को, इट ऑल्सो रिड्यूस नाइट्राइल इंटू एल्डिहाइड, नाइट्राइल इंटू एल्डिहाइड, ठीक है, ओके बेटा। तो अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डाइबर एच भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में काम आता है, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करता। तो हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो एक R CH डबल बॉन्ड CH CH2CN CH2CN, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार ये आता है, इसको ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड भी है साथ में यहाँ पे नाइट्राइल भी है और कंडीशन यहाँ पे गिवन है डाइबल H, इसकी प्रेजेंस में आपको यहाँ रिडक्शन करना है, साथ में यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है, डाइबल एच भी है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी वो आप देखिए, जो ये CN है इसका रिडक्शन होगा और इसे एल्डिहाइड बनेगा CHO, तो ये आएगा RCH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO CH2 CHO, ठीक है, इट मींस यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुई एल्डिहाइड की, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस जो ये CN है इससे हमारा बन जाएगा CHO एल्डिहाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान रखना, साथ में जो आपका डाइबल एच है, अब अगला नोट यहाँ पे है, डाइबल एच ऑल्सो रिड्यूसेस, डाइबल एच ऑल्सो रिड्यूसेस एस्टर्स एस्टर्स इनटू एल्डिहाइड, बेटा डाइबल एच साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है और एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल करते हैं कि कैसे ये एस्टर को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एस्टर का डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH2 5, मैम वीडियो साफ नहीं आ रही, OCO CH3, ठीक है मैम। बेटा आज नेट बिल्कुल वीक आ रहा है, तब ये देखिए एस्टर हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 5 OCO CH3, तो अब इसमें क्या होगा देखिए, फिर से हमने यहाँ पे क्या लिया डाइबल एच, तो दोबारा यहाँ पे रिडक्शन होगा और क्या बनेगा CH3 CH2 5, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन आप कम कर दो ये हो जाएगा CHO, मतलब यहां से बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी आपकी और जो आपका एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड, एस्टर ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, तो ये बन गया CH3 CH2 4 CHO, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एग्जांपल हुआ बेटा। तो यहाँ पे डाइबल एच का यूज हमने किया कि इससे हमारा एस्टर भी रिड्यूस हो जाता है, इससे हमारा नाइट्राइल भी रिड्यूस हो जाता है और सभी की प्रेजेंस से यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है।
अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए आगे, भाई नेटवर्क बेटा आज वीक ही है, सॉरी फॉर दैट, मेरा कोई भी नेटवर्क का स्ट्रॉन्गली चल ही नहीं रहा, सभी ने ट्राई कर लिया मैंने। अब देखिए इसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा स्टीफन रिडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, हेडिंग डाल लो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन से तो क्या बनेगा, देखिए पहला हमने यहाँ पे टोलिन लिया, बेंजीन पे CH3 आपको पता है क्या होता है टोलिन, ठीक है, और टोलिन का हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMNO4, ओके, प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMNO4, इसको हीट हमने किया तो यहाँ पे क्या होगा, जो CH3 है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, पहले वैसे एल्कोहल बनेगी, फिर एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये आपको पता है जो एल्केलाइन KMNO4 है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन को यहाँ भी नहीं रोकेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा और एल्डिहाइड को ये ले जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले टोलिन बनेगा फिर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे एल्केलाइन KMNO4 से, देन यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन करना है हाइड्रोकार्बन का। अब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन को फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले गया, ओके। अब यहाँ पे इसके अलावा हम और भी कुछ यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यूज किया क्रोमिक ऑक्साइड का, क्रोमिक ऑक्साइड का तो क्या बनेगा, देखिए हमने ये टोलिन लिया, ठीक है, और क्रोमिक ऑक्साइड से हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया CrO3 के, ठीक है भाई। किसी का ज्यादा ही वीक नेटवर्क आ रहा है तो क्लास लीव कर दे, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, तब नोट्स बना लेना। तो हमने ये टोलिन लिया और इसका ऑक्सीडेशन हमने किया CrO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, CrO3 जो है इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा और CH3 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, CH3 यहाँ पे कन्वर्ट होगा CHO में एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है इटार्ड रिएक्शन का, लेकिन CrO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना एल्केलाइन KMNO4 था, तो ये रिएक्शन को बस एल्डिहाइड पे कन्वर्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, CH3 सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, CHO में, इससे आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होके COOH नहीं बनेगा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, देखिए बेटा इटार्ड रिएक्शन में हमें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ही लेना है, हमने ले लिया टोलिन और हमने इसका ऑक्सीडेशन किया CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 होता है क्रोमाइल क्लोराइड, साथ में हमने यहाँ पे लिया CH2, क्रोमाइल क्लोराइड लिया और CH2 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा, टोलिन हमने लिया CrO2Cl2 और CH2 से हमने इसका ऑक्सीडेशन किया और साथ में यहीं पे कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की, CH3 की जगह क्या आ जाएगा CH3 की जगह आ जाएगा CHO। तो बस आपको ये याद करना है जब आप ऑक्सीडेशन करते हो हाइड्रोकार्बन का क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 है क्रोमाइल क्लोराइड, मीडियम यहाँ आपने लिया कार्बन डाइसल्फाइड, तो उससे फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, ये टॉपिक हमारा हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, नेक्स्ट इसके बाद अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए बेटा हमने यहाँ पे टोलिन लिया, बेंजीन सी एच थ्री, ओके, और जो ये टोलिन है इसका हमने क्लोरीनेशन करवा दिया प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसका क्लोरीनेशन हमने कर दिया प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है साइड चेन क्लोरीनेशन होगा, यहां से एक एच और एक सी एल क्या माइनस हो जाएगा एच सी एल, और क्या बचेगा ये सी एच थ्री क्या हो जाएगा सी एच टू, सी एच थ्री क्या हो जाएगा सी एच टू, और एक यहाँ पे आ जाएगा सी एल। ठीक है, टोलिन से ये बन गया सी एच टू सी एल। अब हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, एक बार और इसका क्लोरीनेशन करवा दे, मतलब मैं यहीं पर ही कर लू टू मोल ऑफ सी एल टू, तो माइनस क्या हो जाएगा टू मोल ऑफ एच सी एल, तो यहाँ से दो एच हट के बदले में दो क्या आ जाएगी सी एल आ जाएगी, ये बन गया सी एच सी एल टू सी एच सी एल टू। और अब इसमें मैं ऐड कर दू टू मोल ऑफ एक्वस के ओ एच, टू मोल ऑफ एक्वस के ओ एच, तो यहाँ से दोनों सी एल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ओ एच से, तो माइनस क्या हो गया टू मोल ऑफ के सी एल, तो क्या बना बेटा देखिए सी एच ओ एच की होल ट्वाइस, सी एच ओ एच की होल ट्वाइस, दोनों सी एल हट गए बदले में दोनों ओ एच यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ से माइनस कर दू एच टू ओ, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ बेंजीन पे आ जाएगा सी एच ओ, बेंजीन पे क्या आएगा सी एच ओ आएगा, मीन्स फॉर्मेशन होगी बेंजल डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल डिहाइड टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हुआ साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का। इससे भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड की, यहाँ पे लिख देती हूँ ये चीज अनस्टेबल है, एक कार्बन पे दो ओ एच स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमने इनको स्टेबल करवाया बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उससे हमारी फॉर्मेशन हुई एल्डिहाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब गटरमैन कोच रिएक्शन से भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड की। अब कैसे होगा वो आप देखिए, तो हमने यहाँ पे बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने क्या ऐड कर दिया सीओ, बेंजीन में हमने क्या ऐड कर दिया सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ एच सी एल, प्रेजेंस ऑफ एच सी एल, साथ में हम यहाँ पे ले ले एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री या सी यू टू सी एल टू, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री और सी यू टू सी एल टू, बेंजीन है इसमें हम सी ओ एड करवा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री Cu2Cl2 and HCl, तो इस इन सब से क्या होगा बेटा फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की। कैसे, आप देखिए यहाँ पे एच तो है ही ना, C6H6 है ना ये, तो यहाँ पे ये बन जाएगा CHO, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा CHO बनेगा, मतलब क्या है जो ये C और O है ना इसके बीच में हम क्या जोड़ देंगे H जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी CHO की। ओके, तो फॉर्मेशन हुई एल्डिहाइड मींस बेंजल्डिहाइड, ये बन गया, कुछ भी नहीं किया बेटा, एच तो यहाँ पे था ही ना पहले से, इसमें बस सी और ओ जोड़ दिया तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमने रिएक्शन की गटरमैन कोच रिएक्शन, आपको ध्यान हो पहले भी एक रिएक्शन थी गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन सैंडमियर के जस्ट बाद थी, वहां पर डाइजोनियम साल्ट से फॉर्मेशन हो रही थी एराइल हैलाइड की, हेलो अरीन की, लेकिन ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, यहाँ पर बेंजीन से फॉर्मेशन होती है बेंजल्डिहाइड की। अब आगे एक और रिएक्शन भी आएगी जिसको हम बोलेंगे कोच रिएक्शन, तो ये तीन ऐसी रिएक्शन है बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का बाय हाइड्रोसाइनिक एसिड, बाय हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है एच सी एन, आपको पता है ये हाइड्रोजन साइनाइड है या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड, और इस एच सी एन में हम क्या ऐड करेंगे सी एच थ्री
MgBr, Grignard reagent, methyl, magnesium, bromide. Methyl magnesium bromide CH3MgBr हम इसमें ऐड करेंगे. Presence of dry ether. Presence of dry ether. ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए CnSc पे पॉजिटिव चार्ज है और N पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये CH3 कहाँ अटैक करेगा, C पे, C का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, N के पास. ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए HC, C के पास क्या आ गया, CH3 आ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया डबल, यहाँ पे N है और N के पास क्या आया, MgBr, N के पास आएगा MgBr. ठीक है, तो अब जो ये बना है इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस. NMgBr यहाँ पे आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल हो गया, एंड अब इसका आप कर दे हाइड्रोलाइसिस, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस हम. तो क्या फॉर्म होगा, देखिए इससे हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा C और N के बीच का, ये आ जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या रहेगा सी एच थ्री, मतलब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी सी एच थ्री सी एच टू. साइड में क्या क्या निकल गया, एन एच थ्री और एम जी ओ एच बी आर, साइड में चला गया एन एच थ्री प्लस एम जी ओ एच बी आर, और ये हमारा बन गया सी एच थ्री सी एच ओ, हिसाब से यहाँ पे टू मोल एड होंगे एच टू. तो इस तरह से हम हाइड्रोसाइनिक एसिड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करवा के भी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं. एक बार दोबारा आप लोग देखिए, हमने लिया HCN, इसमें ऐड किया CH3MgBr, तो यहाँ पे CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव आपको पता ही है, तो CH3 नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, C पे, तो C का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, N के पास, तो ये बन गया HC, C के पास क्या आ गया CH3, ट्रिपल बॉन्ड को डबल कर लिया, N के पास क्या आ गया MgBr आ गया. अब हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, टू मोल ऑफ एच टू ओ इसमें ऐड किया, प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ, प्लस में क्या निकल गया एन एच थ्री, साथ में यहाँ पे निकल गया एम जी ओ एच बी आर, तो यहाँ पे फॉर्मेशन आपकी होगी कि एल्डिहाइड की, सी एच थ्री सी एच ओ कौन सी एल्डिहाइड हुई भाई, इथेनॉल. ठीक है, तो इस तरह से होगा ये आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड से फॉर्म हो गया. उसके बाद नेक्स्ट रिमर टीमर रिएक्शन से भी क्या फॉर्म करते हैं हम, एल्डिहाइड. ध्यान है ना आपको, रिमर टीमर रिएक्शन में क्या था, फिनोल था, फिनोल से किसकी प्रिपरेशन होती थी, सैलिसिलिक एल्डिहाइड की, क्लोरोफॉर्म और NaOH डाल के, है ना, तो रिमर टीमर रिएक्शन से भी हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं. टॉपिक काफी बड़ा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का, आज नेटवर्क बहुत वीक है बेटा. देखिए नेक्स्ट, बस ये लास्ट कर लेते हैं फिर और नहीं करेंगे, रिमर टीमर रिएक्शन. इससे भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड की, ये आपको ध्यान ही होगा, आप शॉर्टकट तरीके से करेंगे इसको. यहाँ पे हमने शुरू में लिया फिनोल, ठीक है, और फिनोल की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, साथ में हमने यहाँ पे क्या लिया NaOH लिया. ठीक है, फिनोल की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ, तो यहाँ पे आ जाता है O, O के पास क्या आ गया Na, और इधर आ गया CH. ठीक है भाई, फाइनली यही तो बनता है ना जाके. और अब हम यहाँ पे क्या ले लें, H पॉजिटिव आयन, तो Na हट के क्या आ जाएगा H, और ये हो जाएगा CH. Na हट के H आ गया और साथ में ये क्या हो गया CHO हो गया. इट मींस यहाँ पे फॉर्मेशन हुई किसकी, सैलिसिलिक एल्डिहाइड की. ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड टेक्स प्लेस. तो ये भी आपका मेथड हुआ बेटा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का ही, फिनोल से हमने प्रिपेयर किया यहाँ पे एल्डिहाइड. ये मेथड भी कर लें आप. तो आज बेटा इतना ही करेंगे, बाकी फिर शाम की क्लास में देखते हैं. थैंक यू सो मच.